हाय फ्रेंड, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। बॉलीवुड झलक सबसे अलग। दोस्तों, ये जो बॉलीवुड के स्टार होते हैं, इनमें से कुछ स्टार ऐसे हैं जिनका समय बहुत कम रहा स्टारडम का, लेकिन कमाल का रहा। जैसे राजेश खन्ना, गोविंदा, ये कम टाइम के लिए सुपरस्टार रहे लेकिन एक इतिहास बनाकर गए, जिसे अब दूसरे लोगों के लिए मिटाना मुश्किल हो रहा है। कमाल का स्टारडम था इन लोगों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं गोविंदा की। गोविंदा का आज समय बहुत बुरा चला, लेकिन एक समय ऐसा था जब गोविंदा टॉप पर थे और उस वक्त दूसरा कोई कलाकार इनके पास भी फटक नहीं पा रहा था। आज इनका समय थोड़ा खराब चल रहा है तो सभी लोगों ने इनकी बुराई करना शुरू की कि गोविंदा ऐसा करते थे इसलिए फ्लॉप हो गए, वैसा करते थे इसलिए फ्लॉप हो गए। कई वीडियो मैंने देखे उनके, जिसमें कई लोगों ने तो ये बताया कि गोविंदा की ये गलती थी जिसकी वजह से उनका कैरियर डूब गया। हालांकि जिसने वीडियो बनाया है वो कभी गोविंदा से मिला ही नहीं होगा, लेकिन बस कहानी बना दी। लेकिन अगर गौर से देखा जाए गोविंदा के इंटरव्यूज को जो उन्होंने दिए हैं, या उनकी बातें सुनी जाए, या उनके बारे में सुना जाए, तो ये साबित होता है कि गोविंदा बहुत अच्छे एक्टर के अलावा बहुत अच्छे इंसान भी थे। अब उनके इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा लोगों से तहजीब से बात करता है। फिर ये जो कहानियाँ हैं उल्टी सीधी की, वो एटीट्यूड दिखाते थे, ये कहाँ से आई कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। गोविंदा हमेशा से सरल स्वभाव के रहे, जब वो हीरो नहीं बने थे तब भी, जब वो हीरो बन गए, स्टार बन गए तब भी, और आज भी। मैं आपको आज गोविंदा के बारे में कैसे ही गुस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात इन दोनों की है जब गोविंदा स्ट्रगल करते थे, विरार में रहते थे और यहाँ अंधेरी जुहू पर आकर स्ट्रगल किया करते। यहाँ पर जब वो थक जाते थे तो उनका एक दोस्त था अर्जुन बख्शी, जो साथ बंगला में रहता था, वहाँ जाके उसके पास बैठ जाते थे, थोड़ा आराम करते थे, फिर स्ट्रगल करने निकल जाते थे। उस समय अर्जुन बख्शी के पास सुमित सहगल और भी दो चार लोग स्ट्रगल करते थे, जो बहुत थक हार के उनके घर में बैठ जाते। ये लोगों का ठिया था, अर्जुन बख्शी का घर। अर्जुन बख्शी भी एक्टर थे, तो जैसा कि मैंने कहा थक जाते थे तो अर्जुन बख्शी के घर चले जाते थे, या शाम को जब सब लोग स्ट्रगल करके एक जगह इकट्ठा होते थे, फिर दूसरे दिन की प्लानिंग करते थे कि आज कल वहाँ स्ट्रगल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब अर्जुन बख्शी के घर पे होता था। अर्जुन बख्शी की एक बहन थी इंदु चौधरी, जिनका ये फ्लैट था, वो लंदन में रहती थी, तो वो इंदु चौधरी जी ने अर्जुन बख्शी को ये घर दे रखा था रहने के लिए। जब भी इंदु चौधरी आती तो सभी लोगों से मिलती भी, अर्जुन बख्शी से और उनके दोस्त सुमित सहगल, गोविंदा और भी कुछ लोग थे, सबसे मिलती। उसमें सबसे सरल स्वभाव के जो थे गोविंदा, वो हमेशा उनको दीदी कहकर संबोधित करते थे, और जब भी इंदु जी यहाँ पर आती तो गोविंदा सबसे ज़्यादा उनकी सेवा करते। उसके बाद वक्त गुजरा और गोविंदा स्टार बन गए, सुमित सहगल को भी फिल्में मिल गई, वो भी हीरो बन गए, और बाकी लोग स्ट्रगल करते रहे। अर्जुन बख्शी भी स्ट्रगल कर रहे थे, एक दो फिल्मों में छोटा मोटा रोल भी किया, एक फिल्म तो गोविंदा ने उनको दिलाई, फिल्म ड्यूटी। ड्यूटी में अर्जुन बख्शी और गोविंदा साथ में थे, दोस्ती निभाई गोविंदा ने। इसी दौरान जब गोविंदा स्टार बन गए थे, इंदु चौधरी एक बार इंडिया आई तो उन्होंने देखा कि गोविंदा तो स्टार बन गए, सुमित सहगल भी हीरो बन गए, बाकी उनका भाई अर्जुन बख्शी और उसके दोस्त अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तब इंदु चौधरी ने कहा कि चलो भैया, मैं तुम्हारे लिए फिल्म बनाती हूँ, मैं प्रोड्यूस करूँगी, तुम उसमें हीरो रहोगे। ये बात इंदु चौधरी ने अपने भाई अर्जुन बख्शी से कही, उनकी तैयारी शुरू हो गई। उसी दौरान इंदु चौधरी जुहू के एक बैंक में गई किसी काम से, और वहीं पर गोविंदा बैठे हुए थे मैनेजर के साथ अंदर कैबिन में। उस समय इंडस्ट्री बंद थी, कुछ हड़ताल वगैरह हुई थी हमारे इंडस्ट्री में, तो शूटिंग नहीं चल रही थी, तो गोविंदा मैनेजर के साथ बैठे थे और यहां से बैंक में इंदु चौधरी की एंट्री। जैसे ही गोविंदा की निगाह इंदु चौधरी पर पड़ी, गोविंदा तुरंत मैनेजर के केबिन से बाहर निकले और जाते ही उन्होंने इंदु चौधरी के पैर छुए और झुक कर खड़े हो गए और कहने लगे कि देखो दीदी, मैं हीरो बन गया हूँ, दीदी आपने मेरी फिल्म देखी कि नहीं देखी, और इस तरह की बातें करते हुए। और ये सब देख कर इंदु चौधरी हैरान रह गई। उस समय इंदु चौधरी को लग रहा था कि गोविंदा स्टार हो गए तो शायद मुझे पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन गोविंदा वैसे के वैसे ही थे जैसे वो स्ट्रगल के दिनों में थे। इस बात से इंदु चौधरी बहुत प्रभावित थी और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जो फिल्म बना रही हूँ उसमें गोविंदा हीरो रहेगा। और जब ये बात अर्जुन बख्शी को पता चली गई कि जो रोल मैं करने वाला था हीरो का, वो रोल अब गोविंदा करेगा, तो
अर्जुन बख्शी अपनी बहन से नाराज हुए। उन्होंने कहा कि गोविंदा क्यों, मैं करूंगा? तो उन्होंने बोला गोविंदा बहुत अच्छा है और सेलेबल है, स्टार बन चुका है, उसे भी हीरो लेती हूँ, तुम्हें भी दो हीरो की कहानी लेती हूँ। लेकिन अर्जुन बख्शी थे, मान ही नहीं रहे थे इस बात के लिए। तब इंदु चौधरी ने गोविंदा के हक में फैसला किया कि इस फिल्म में हीरो रहेगा तो गोविंदा ही रहेगा, तुम्हें करना है तुम करो, नहीं करना तो मत। और इस तरह इंदु चौधरी ने अपने भाई को फिल्म से निकाल कर गोविंदा को ले लिया। दूसरे और कलाकारों को साइन किया जो थे नसीरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़िया वगैरह। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई लेकिन इत्तफाक कि ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई, बन नहीं पाई। उसके कई साल बाद फिर एक दूसरा प्रोड्यूसर इस फिल्म में इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट करी। अग्निचक्र के नाम से ये फिल्म रिलीज हुई। लेकिन पहले इस फिल्म का नाम था एक्शन। तो इस तरह गोविंदा के स्वभाव के कारण, उसके सरल स्वभाव के कारण उन्हें ये फिल्म मिल गई। इंदु चौधरी ने अपने भाई को निकालकर गोविंदा को साइन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गोविंदा का स्वभाव बहुत अच्छा था, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। भले लोग आज गोविंदा को उल्टा सीधा कहें, लेकिन सच तो ये है कि आज भी वो एक संस्कारी है, अच्छे स्वभाव के मालिक है। तो दोस्तों, ये था गोविंदा के बारे में एक छोटा सा किस्सा। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारे कहानियां हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन कहानियों से, उन किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।